कम किया जाएगा। मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए कि टारगेट से कहीं ज़्यादा स्पीड से काम चल रहा है। आज तक का जो टारगेट था 14 लाख टन का, उसको पूरा किया जा चुका है और 18 लाख टन, 14 की बजाय 18 लाख टन कूड़ा कम किया जा चुका है। अभी जो एजेंसी काम कर रही है, इसको ये 30 लाख टन अगली साल 15 मई 2024 तक कंप्लीट करना है। लेकिन जिस स्पीड से ये लोग काम कर रहे हैं, उससे ये उम्मीद है कि 15 मई तक 30 की बजाय 45 लाख टन कूड़ा कम हो जाएगा। टोटल यहाँ पे 60-65 लाख टन कूड़ा बताया जा रहा है। उसके अलावा डेली बेसिस पे 2000 टन कूड़ा फ्रेश भी आ रहा है। तो इसके लिए एक एजेंसी और हायर करने की प्रक्रिया चालू है, ताकि दोनों एजेंसीज मिलके जल्दी से जल्दी सारा का सारा साफ कर सके। अभी ये जो एजेंसी कर रही है, जब इनका 45 लाख टन कूड़ा साफ हो जाएगा, तो यहाँ पे लगभग 35 एकड़ ज़मीन खाली हो जाएगी। और जब सारा यहाँ से कूड़ा साफ हो जाएगा, तो आप सोच सकते हो कि ये जो इतना गंदा एक दाग था दिल्ली के ऊपर, ये पूरा साफ़ हो जाएगा। इधर इस सड़क से पंजाब और हरियाणा से लोग आते थे, और एंट्री के ऊपर ही एक कूड़े का पहाड़ उनको दिल्ली में दिखाई देता था। ये अगर साफ़ हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे तरह तरह के तरीके से इस ज़मीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं एजेंसी को भी और MCD के इंजीनियर्स को भी बधाई देना चाहता हूं कि वो पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। सर, कब तक लैंडफिल साइट से बलस्का की कम से कम, ये देखिए इनका काम 45 लाख टन का तो मई तक हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बैलेंस बचेगा 30-35 लाख टन और बचेगा, उसके लिए दूसरी एजेंसी हायर करनी है। उसकी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, केवल एक दिक्कत आ रही है, स्टैंडिंग कमेटी अभी एग्जिस्ट नहीं करती MCD में। वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शंस होंगे। स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन के बिना टेंडर देना एक कानूनी प्रक्रिया में फंसा हुआ है, उसका कुछ समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। सर, लैंड कितना रिक्लेम हुआ है, जितना आप पूरा बताओ। ये होने के बाद 35 एकड़, ये इस एजेंसी का काम कंप्लीट हो, 45 लाख टन कूड़ा खत्म होने के बाद 35 एकड़ जमीन रिक्लेम हो जाएगी। टोटल 72 एकड़ जमीन है। सर, गाजीपुर लैंडफिल साइट पे बीजेपी के कुछ नेता गए, कल हम चलेंगे आपको लेके। अभी अगले इसी हफ्ते मैं गाजीपुर भी जाऊंगा, ओखला भी जाऊंगा। डेडलाइन से ज्यादा हो गया ना, मैंने बताया आज तक का टारगेट था 14 लाख टन का, 18 लाख टन कर चुके हैं ये लोग, तो वी हैव एक्सीडेड द टारगेट। इसीलिए 15 मई अगले साल तक का टारगेट 30 लाख टन का था, तब तक 30 लाख की बजाय 45 लाख हम पूरा कर लेंगे। सर, ये अलस्का लैंडफिल साइट कह रहे थे इस फाइनेंशियल ईयर तक क्लियर हो जाएगी, तो स्टैंडिंग कमेटी फॉर्मेशन ना होने के कारण वो डेडलाइन क्या थोड़ी और बढ़ाई गई है? नहीं, वो साफ हो जाएगी नहीं, 45 लाख टन का जो इनका टारगेट था वो कंप्लीट हो जाएगा। बैलेंस जो बचेगा, उसके लिए एक और एजेंसी हायर की जा रही है। सर, एक और सवाल है इससे इतर है, यूके में स्कॉटलैंड में इंडियन हाई कमिश्नर पे खालिस्तानियों ने उनको सिख गुरुद्वारे में जाने से रोका है। मुझे आइडिया नहीं, मैं एक बार इस स्टडी करके फिर आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।